ओके फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए, ये पूरा होंडा एक्टिवा का है, पूरा पार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, खुला हुआ है। तो और ये देखिए, ये उसका बॉडी, तो सारे पार्ट यहाँ रखे हुए हैं। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, मतलब क्यों खोला है? इंजन तो एकदम अच्छा खासा दिख रहा है, तो आपको मैं बता दूँ। तो वो जो आपको दिख रहा है स्कूटी का साइड का, मतलब साइड का कवर है, पीछे का साइड का कवर है, जो ये है पूरा एकदम ख़राब हो गया था, पूरा पचक गया था एक्सीडेंट में। तो आप देखिए कि ये पहले कैसा था। तो ये देखिए पहले ये कैसा था और अभी देखिए फुल एकदम डेंट पेंट हुआ है और नए जैसा लग रहा है। आपको दिखा दूँ कि ये पुराना वाला ही है, इसको ही रिपेंट पेंट करके ठुक ठाक के एकदम मस्त नए जैसा किया है। और आपने देखा कि ये पहले कैसा था। तो अभी आज और अभी इसका फिटिंग होने वाला है, तो आप देखने वाले हो कि एक्टिवा का किस तरह से फिटिंग होता है। आगे का पूरा हैंडल सेट पूरा फिटिंग होने वाला है प्रॉपर। देखिए, आपको पता होगा ये क्या है। तो हमारे एक्टिवा में इस टाइप के शॉक ऑब्जर होते हैं, तो ये भी कैसे फिटिंग होने वाला है आप देखने वाले हो। और पीछे फुल लाइट वाइट कैसे लगेगा, तो आज वो हम सब देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
वो सिग्नल, गाड़ी स्टार्ट कर, अपा डिपा फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि एक्टिवा 3G फुल्ली बॉडी फिटिंग हुआ आज, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्टिवा की फुल फिटिंग दिखाया कि एक्टिवा की किस तरह फिटिंग होती है। अगर कुछ हुआ तो मीन्स आपको हो, मीन्स अगर कुछ प्रॉब्लम रहा फिटिंग में या कुछ है या किसी से करा सकते, तो बस इस वीडियो में सिर्फ आपको एक्टिवा का फिटिंग ही दिखाया मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम आपको एक्टिवा का कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसका मैं ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगा। अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, मीन्स कुछ प्रॉब्लम है और उस चीज़ का वीडियो चाहिए, देखना है आपको किसी भी बाइक का, किसी भी स्कूटर का, अगर मुझसे वो पॉसिबल होता है तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। सो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और वीडियो में क्या चाहिए। बस इतने ही बोलना आपको। सो बाय बाय।